गुड मॉर्निंग क्लास 12th. बेटा इन BSc बिजनेस स्टडीज़ टुडेज़ आर टॉपिक इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा क्या होता है? इट इज़ असेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड funds requirement of a business and specifying the sources of fund. It aims to ensure that enough funds are available at right time. क्या है इसका मीनिंग बेटा? एक तरीके से जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है ये ब्लू प्रिंट होता है. किसका ब्लू प्रिंट होता है ये? कि हाउ मच फंड रिक्वायर्ड या हाउ मच फंड रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नियर फ्यूचर या कमिंग टाइम. और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोसेस है जहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना फंड चाहिए बिज़नेस को ताकि वो अपने एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन कर सके और किस रिसोर्सेज से अरेंज करें वो फंड. ये भी हमारा इसमें ही आता है. फाइन. नाउ जो हमारे फंड्स या जो हमारा एम है ये पता करना कि कितना फ़ंड है, कितना चाहिए, तो ये हमारा इसलिए हम एस्टिमेट करते हैं ताकि जो फंड्स हम अरेंज करें वो फंड्स कम ना पड़े और उस फंड को हम राइट टाइम पे क्या कर सके, उसका यूज़ कर सके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि फिर फाइनेंशियल प्लानिंग बेटा हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं या जो फंड्स हम अरेंज करना चाह रहे हैं वो एक्सेस में अरेंज ना हो. इफ़ फंड्स आर अरेंज इन एक्सेस तो फिर उसका क्या होता है, हम जब कोई चीज़ एक्सेस में आ जाती है तो उसका हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, उसको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं. क्योंकि जब कोई चीज़ दिखती है ना एक्स्ट्रा रखी है, चलो इससे ये काम भी कर लेते हैं, चलो वो काम रुका हुआ था वो भी कर लेते हैं, तो नीड नहीं है उस चीज़ की. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अननेसेसरली उसका यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं. तो वाई वी हैव टू वेस्ट द फंड्स? भाई हमने अगर फंड्स कहीं से अरेंज करें तो उस पर हम उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं. और अगर हम अननेसेसरली फंड्स अरेंज करेंगे तो हमें अननेसेसरली उसका इंटरेस्ट या ब्याज भी देना पड़ेगा, जो कि एक कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. फाइन. फाइनेंशियल प्लानिंग टेक्स इन टू कंसिडरेशन द ग्रोथ परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड. फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा किस चीज़ को कंसिडर करता है कि पैसा कितना अरेंज करें ताकि कंपनी ग्रोथ कर सके, परफॉर्मेंस अच्छी हो, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, कितना फंड चाहिए एट प्रेजेंट फॉर द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड. दैट्स वाई वी आर अरेंजिंग फाइनेंस. फिर हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या आता है बेटा? टू डिटरमाइन हाउ मच अमाउंट वी नीड. ठीक. फिर टू डेवलप कि कहाँ कहाँ उस पैसे को हम कैसे कैसे अरेंज कर देंगे फॉर डेवलपमेंट. आइडेंटिफाई मतलब किन सोर्सेज से हम पैसा अरेंज कर सकते हैं. फिर इवैल्यूएट करना कि पैसा हम कहाँ लगाएं, कितना लगाएं ताकि कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर सके इम्प्लीमेंट. और फिर हम उस जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट मतलब उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं, जो भी प्लानिंग्स है कि उसके अकॉर्डिंग हम पैसा अरेंज कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं. और फिर हम उसका रिव्यू देखते हैं कि व्हाट वाज द रिजल्ट. तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है. अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है बेटा कि जब हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग होता है उसमें क्या करते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ये देखते हैं कि हाउ मच अमाउंट वी नीड. एक्सेस अमाउंट आपको अरेंज नहीं करना होता है. एक्सेस अमाउंट अगर आप अरेंज करेंगे तो उसमें कंपनी मे बी कंपनी फेस द डिफ़िकल्टीज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल प्लानिंग में हम जब पैसा जब प्लानिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कई सारी प्लानिंग्स होती हैं, जैसे कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, रिटायरमेंट्स प्लानिंग क्या क्या है, जो पैसा हमारे यहाँ वर्कर्स हैं उनका पैसा जो हम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, व्हाट आर द एजुकेशन प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग्स क्या होती हैं, फिर हमारा स्टेट प्लानिंग्स है, रिस्क मैनेजमेंट, ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग. ये सब हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है. किसका पार्ट है? सब हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है. ठीक है बेटा. तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें इन दिस प्लानिंग वी हैव टू थिंक कि वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट द मनी, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, सो दैट हम इजीली क्या कर सके, उसमें अपना जो भी यूज़ है
उसको प्रॉपर तरीके से, पैसे को हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके, चाहे कहीं प्रोजेक्ट में लगाना हो, किसी कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना हो, या हमारे पास कोई नई प्लांट एंड मशीन, नई टेक्नोलॉजी आ रही है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना हो, दैट ऑल थिंग्स डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू रेज फंड्स इन अ मैनर दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। जब भी पैसा आप कहीं से अरेंज करो, जहाँ से भी अरेंज करो, कोशिश यही रहे कि जो उसकी कॉस्ट है, यानी जो हम पैसा अरेंज करने के लिए जो कॉस्ट पे करेंगे वो कम से कम होनी चाहिए। टू एंश्योर सिंप्लिसिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर यानी डेप्ट इक्विटी रेशो, उसको सिंप्लिसिटी यानी सिंपल वे में ही आप उसका क्या करो, यूज़ करो, मतलब क्लियरली डिफाइन हो कि हाउ मच अमाउंट यू अरेंज फ्रॉम डेप्ट एंड हाउ मच यू वॉन्ट टू अरेंज अमाउंट अरेंज फ्रॉम द इक्विटीज। टू इंश्योर सफिशेंट लिक्विडिटी ऑफ फंड, जब भी आप पैसा अरेंज करो तो ये हमेशा इंश्योरेंस रहे जितना पैसा हम अरेंज कर रहे हैं वो सफिशेंट है हमारे काम के लिए। टू प्रोवाइड एडिक्वेट फंड्स टू द बिजनेस, नाइदर द फंड शुड बी शॉर्ट और नॉट इन एक्सेस, यानी जितना भी फंड्स आप अरेंज करेंगे, जिस भी रिसोर्सेज से अरेंज करेंगे, ये श्योरिटी जरूर होनी चाहिए कि वो फंड सफिशियंट है, ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज़्यादा हो, हमें ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बस जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आपको कलेक्ट करना है। टू इंश्योर फ्लैक्सीबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर सो दैट द चेंजेस इन द सोर्सेज ऑफ फंड्स मे बी मेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस। ऐसा भी मतलब आप जहाँ से फंड्स अरेंज कर रहे हैं, जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, वो फ्लैक्सीबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस हमारा अनसर्टेन होता है। अगर इफ देयर इज एनी अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एनवायरमेंट, सो दैट हम उस फ्लैक्सीबिलिटी की हेल्प से क्या कर सके, ईजिली फंड्स और अवेलेबल कर सके। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करता है टू मैनेज कैश फ्लो, टू ट्रेंड एनालिसिस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब लॉन्ग टर्म में कहाँ कौन से फाइनेंशियल कौन से असेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लान स्पेंडिंग, मेजर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हमने कहाँ करी कैसे करी, इवेल्युएट करना कि जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं, जिस पैसे को जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, रिटर्न कितना है, ROI, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑन रिटर्न, ठीक है। ताकि आप उस जब कोशिश क्या होती है हमेशा, जब आप कहीं से उधार लोगे पैसा और आपने उधार लिया 10% पे, तो क्या आप जब पैसा कहीं इन्वेस्ट करोगे तो एक्सपेक्टेशन 10% की ही रखोगे, 10% का रिटर्न मिल जाए? नो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है हमेशा ये होता है कि जो भी हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑन इंटरेस्ट अगर सेम हो जाता है बेटा, तो देर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग एनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस, ये हमारी इंपॉर्टेंस थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइन, फिर नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या होता है बेटा? इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हाउ मच अमाउंट वी वांट टू इंश्योर विद द हेल्प ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो। डेप्ट और इक्विटी रेशियो से हम कितना पैसा क्या करना चाहते हैं अपने लिए यूज़। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स टू थिंक इन एडवांस, थिंक इन एडवांस हाउ मच अमाउंट वी नीड, फ्रॉम वेयर वी अरेंज द अमाउंट एंड फ्रॉम वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट द अमाउंट, how we have to distribute the dividend among the shareholders, all things are management, financial planning. Or financial management ka kya kaam hota hai? It must be choosing best investment and finance alternatives by the focusing on their cost and benefits. It's objective to increase the shareholder wealth only. Financial management ka kaam kya hota hai ki paisa kahin se bhi aaya ho wo best option hona chahiye, zyada us pe kharcha nahi hona chahiye, aur jahan hum invest kare उसमें हमें रिटर्न अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं हम उनका वेल्थ लेवल इंक्रीज कर सके। फाइन बेटा, तो ये हमारा टॉपिक था आज का, फाइनेंशियल प्लानिंग वर्सेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट।